खुलेआम धमकी देते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर नजर आए हैं। पूर्व मंत्री सोनकर ने पुलिस अफसर को धमकाया है, सीएसपी से बकायदा ये कहा है कि सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा। ये बीजेपी के पूर्व मंत्री के बोल हैं, कह रहे हैं कि मैं थाने में घुसकर मारता हूं। घमाकर थाना जो है वहां पर घेराव के दौरान पुलिस को पूर्व मंत्री धमकाते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने आप एक बार। आप थाना सुधारो। बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे। बता रहे हैं आप, नहीं बता दे रहे हम। आपको विश्वास दिलाते हैं? विश्वास है। यहाँ आप पहले फोन करो, देखते हैं फोन नहीं उठाते हैं। क्या तरीका है आपका उठाने उठा के? हम सब समझा देंगे इनको। आप यहाँ पे देखे नहीं साहब, मैं थाने में घुसके मारता हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ आगे आपको। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जिस तरह से पूर्व मंत्री ने धमकाया है, ये शब्द कहना बिल्कुल गलत नहीं है, धमकाया है, कहा है कि थाने में घुसकर वो मारते हैं और कहते हैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस वीडियो के वायरल होने के बाद? जी हाँ अविनाश, ये पहला मौका नहीं है जब अपने विवादित बोल को लेकर अंचल सोनकर चर्चा में रहे हों। पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कई बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व विधायक होने के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान है। लेकिन जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो खास तौर पर पुलिस से उनकी जो कन्वर्सेशन हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के विवादास्पद वो बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने एक तरह से हद कर दी या मर्यादा ही लांघ दी। सीएसपी जैसे अधिकारी को वो ये कहते नजर आए कि सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा, थाने में घुसकर मारने की उन्होंने बात कही है और इसको लेकर अब विवाद गर्मा गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और उधर अंचल सोनकर ये ज़रूर अब सफाई देते नज़र आ रहे हैं कि उनका मकसद जो था या उनका मतलब था वो किसी को मारने से नहीं था बल्कि थाने में घुसकर व्यवस्था सुधारने से था। लेकिन इस वीडियो में जो कैप्चर हुआ है उसमें साफ सुना जा सकता है कि अंचल सोनकर बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सीएसपी राजेश राठौर को ये सीधा कहते नज़र आ रहे हैं कि सुधर जाओ वरना मैं सुधर जाऊंगा और मैं थाने में घुसकर मारता हूं। लेकिन अब उसके एक तरह से सफाई देने के मोड में है बीजेपी और अंचल सोनकर, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर फ्रंट फुट पर है। इस वक्त मैं भी बता दूं कि जबलपुर पूर्व का ये मामला है और वहां से कांग्रेस के जो विधायक आते हैं लखन घनघोरिया, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उन्होंने पूर्व विधायक के इस आचरण को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस इस मामले पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अविनाश, बिल्कुल, तो बड़ा गंभीर ये मामला है क्योंकि सीएसपी को, जिस पर प्रशासन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस तरह के शब्दों का चयन करना भी सवालों के घेरे में है। आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।